एसएम एसएसबी टेक्नीशियन फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड। तो आपके सिलेबस के अंदर जीके में साइंस है, विज्ञान है, ठीक है, तो उसके टॉप 25 क्वेश्चन अपन इसमें करेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट फर्स्ट रहेगा साइंस का, ठीक है। अगर आपको पसंद आता है तो आप कमेंट में मुझे बताएगा, ठीक है, तो मैं आपको लिए पार्ट सेकंड भी बहुत अच्छे से डालूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं करती है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया है, जब नहीं आ जाए, गलत आ जाए, असत्य आ जाए, ठीक है, तो आपको उसको सर्किल कर लेना है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं करती है, तो वो करती है ध्वनि। जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो शून्य में संचरण नहीं करती है, मतलब उनको संचरण करने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी तरंगों का प्रयोग रात को देखने वाले उपकरणों में किया जाता है, तो वो तरंगे होती हैं अवरक्त तरंगे, यानी कि इंफ्रारेड जो रेज होती हैं उनको, उनका प्रयोग रात में देखने वाले जो उपकरण होते हैं उनमें किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत को परावर्तित करती है, यानी कि गर्म करती है। जो लॉन्ग वेव्स होती हैं, ठीक है, तो वायुमंडल की वो किस परत को गर्म करती है, तो वो करती है आयन मंडल, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि वो आयन मंडल को गर्म करती है या परावर्तित करती है। नेक्स्ट है, पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है। पराबैंगनी से यह तात्पर्य अल्ट्रावायलेट किरणों से, किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है, ठीक है। तो ये तुलना पूछ रहा है, तो किसकी अपेक्षा अधिक होती है, तो वो होती है अवरक्त किरणों की अपेक्षा अधिक होती है, ठीक है। बाकी गामा किरणें, एक्स किरणें और रेडियो किरणों से कम होती है, ठीक है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। जो वाटर होता है उसके उपचार में अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, तो वो रोगाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो यह ध्यान रखेंगे। मतलब वाटर को रोगाणु मुक्त बनाने के अंदर अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं। जो एक्स किरणें होती हैं, जो जैसे कि अपना एक्सरा होता है, तो उसमें एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है, वो किस प्रकार की होती है, तो वो होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, ठीक है। कौन सी होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है एक्स किरणें, ठीक है। नेक्स्ट है, कॉस्मिक किरणें कैसी होती है। जो कॉस्मिक किरणें होती हैं वो कैसी होती हैं, तो वे आवेशित होती हैं, यानी कि उनके ऊपर चार्ज होता है, ठीक है, तो वे आवेशित होती हैं, मतलब उनमें कुछ ऊर्जा होती है, ठीक है, तो कॉस्मिक किरणें आवेशित होती हैं। नेक्स्ट है, एफएम में उपयोग आने वाली आवर्ती बैंड का परास कितना होता है। परास यहाँ तात्पर्य है जो फ्रिक्वेंसी होती है वो किसके मध्य लाई करती है, किसके मध्य आती है। तो आपने देखा होगा कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 88 से लेकर 108 तक जाती है, ठीक है। यानी जैसे आपने सुना होगा 91.1 एफएम, 93.4, ठीक है, 95, 94.1, ठीक है, तो ये सारे फ्रीक्वेंसी हैं जहाँ पर एफएम के अंदर उपयोग की जाती है। तो ये किसके बीच में लाइज करती है या किसके मध्य होती है, तो 88 से लेकर 108 के मध्य होती है। नेक्स्ट है कि एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। जो एमआरआई मशीन होती है, जो एमआरआई होती है बॉडी की, उसके अंदर कौन सी किरणों का, कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो वो तरंगे हैं चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक्सरे का प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है। जो एक्सरे होते हैं, कौन सी, पहले तो ये तरंगे कौन सी होती है, ये विद्युत चुंबकीय होती है, ठीक है, तो इसका प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है, तो इसका प्रयोग बहुमूल्य पत्रों और हीरों में खराबी ढूंढने के अंदर किया जा सकता है, ठीक है। जो बहुमूल्य पत्थर होते हैं जैसे पन्ना, ठीक है, और भी विभिन्न तरह के जो पत्थर होते हैं, हीरे, उसके अंदर खराबी ढूंढने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस विकिरण का सबसे कम तरंग दे रहे, तो हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है, तो कौन सी किरण का वेवलेंथ सबसे कम होता है या तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, तो वो है गामा किरणें, ठीक है, इनका तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ सबसे कम होता है, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि सीटी स्कैन करने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले तो आप कमेंट में मुझे सीटी का फुल फॉर्म बताएंगे, ठीक है,
अब इसका आंसर देखते हैं कि सीटी स्कैन करने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो सीटी स्कैन करने के लिए एक्स रेज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंग कौन सी है। जैसे कम्युनिकेशन के लिए फ़ोन के अंदर अपन और टेलीफोन के अंदर जो कौन से तरंग उपयोग में लेते हैं दूर संचार के लिए, तो वो कौन सी तरंगें होती हैं, तो वो होती है माइक्रोवेव तरंगें, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कौन सी तरंगें होती है, माइक्रोवेव तरंगें होती है। नेक्स्ट है कि टेलीविज़न के रिमोट में कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपन चैनल चेंज करते हैं, वॉल्यूम अप एंड डाउन करते हैं, ठीक है, और सभी प्रकार की जो सेटिंग करते हैं रिमोट से, ठीक है, तो उसके अंदर जो टेलीविजन का रिमोट होता है तो उसके अंदर कौन सी तरंगें उपयोग की जाती है, तो वो होती है अवरक्त तरंगें, यानी कि इन्फ्रा रेड रेज होती है, इन्फ्रा रेड रेज होती है, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि ध्वनि किस माध्यम में नहीं जा सकती है। ठीक है, तो ध्वनि निर्वात के अंदर नहीं जा सकती, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ध्वनि को फ्लो करने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो ये निर्वात के अंदर फ्लो नहीं कर सकती। फिर नेक्स्ट है कि ध्वनि का हवा में लगभग कितनी गति होती है। जो ध्वनि की हवा में कितनी गति होती है लगभग, तो वो होती है 330 मीटर पर सेकेंड की गति होती है, ठीक है, हवा के अंदर ध्वनि की, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बीपीएससी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, बिहार पीसीएस के अंदर इसको पूछा गया था। नेक्स्ट है कि दो लोगों के आपस में बात करने पर कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है, तो वो होती है उत्पन्न कितने डेसिबल की, तो लगभग 20 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है, 30 डेसिबल की। फिर नेक्स्ट है ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके द्वारा होता है। जैसे ध्वनि, जैसे अपन बोल रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो उसका विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो आप सब लोग को पता होगा कि वह माइक्रोफोन के द्वारा होता है। जो अपन आवाज़ बोलते हैं वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होकर सामने वाले को सुनाई देती है, ठीक है, तो माइक्रोफोन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है कि मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना होना चाहिए। तो मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर 45 डेसिबल होना चाहिए, ठीक है, यहाँ डीबी से तात्पर्य है डेसिबल, जो कि ध्वनि की यूनिट होती है, ठीक है, तो 45 डेसिबल मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है डेसिबल किसे मापने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसा कि अभी मैंने बताया, डेसिबल ध्वनि को मापने के लिए उपयोग में लिया जाता है, क्योंकि यह ध्वनि का मात्रक है। नेक्स्ट है कि ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है। तो ध्वनि का वेग अधिकतम धातु के अंदर होता है, ठीक है, आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा 11th-12th के अंदर, जो स्टील की जो फोक होती है उसको ऐसे ऐसे मार के और उसको कान के पास लगाते थे, तब उसके अंदर बहुत तेज आवाज़ आती थी और बहुत देर तक आती थी, ठीक है, तो धातु के अंदर सर्वाधिक वेग होता है किसका, ध्वनि का। नेक्स्ट है कि WHO द्वारा एक शहर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना होना चाहिए। जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा एक शहर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना होना चाहिए, तो वो है 45 डेसिबल, ठीक है, तो यह ध्यान रखेंगे। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है कि रात्रि के समय आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि का स्तर कितना होना चाहिए। रात्रि के समय आवासीय क्षेत्रों में, जहाँ पर रहते हैं, जो बिल्डिंग होती है सोने के लिए, जो रेजिडेंशियल एरिया होता है, उसके अंदर ध्वनि का स्तर कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 45 डेसिबल, ठीक है, तो यह ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई असर नहीं पड़ता। तो ये इन चारों के अंदर से वह कौन सा फैक्टर है जिसका ध्वनि के वेग पर कोई असर नहीं पड़ता है, तो वो है प्रेशर, यानी कि दाब। दाब का ध्वनि के वेग पर कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये आ गया अपना अंतिम क्वेश्चन 25। ध्वनि के स्रोत और परावर्ती सतह के मध्य न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे। जैसे अपन कई बार बोलते हैं ना, और फिर आवाज़ टकराकर अपन खुद को ही वापस सुनाई देती है, तो जो वो जो डिस्टेंस होती है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए ताकि आपको वो जो आप बोल रहे हैं वो वापस आपको सुनाई दे, तो वो है डिस्टेंस 17 मीटर, ठीक है, तो इतनी न्यूनतम डिस्टेंस होनी चाहिए परावर्ती ध्वनि के लिए, ठीक है,
तो यहाँ पर अपने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, ठीक है, पसंद आया, थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल को PDF के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।